अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपना मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन अलीना और मीशू के साथ। बट उससे पहले मैं आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ। एक्चुअली बहुत सारे लोगों को अभी तक नहीं पता है कि मेरा एक और भी चैनल है, अनवरी व्लॉग्स। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ पर मैं बराबर वीडियोज़ पोस्ट करती हूँ। तो अभी तक आप लोग नहीं आए उस चैनल पर, तो ज़रूर आना, प्लीज़ विजिट करना। और जो लोग मुझसे जुड़े वहाँ पर, मैं उन सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सुबह हो गई है और मैं सुबह उठ के ना एडिटिंग का काम कर रही थी, ऊपर में बच्चे नीचे सो रहे थे, तो थोड़ा बहुत काम करके मैं नीचे आ गई हूँ। और मेरा फर्स्ट काम अभी है मीशू को ब्रश करवाना। और मीशू को ब्रश करना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, बहुत मुश्किल होती है ब्रश करवाने में। वो खुद से ही ब्रश करना चाहती है, बट प्रॉब्लम ये है कि खुद से वो ब्रश करे तो दांत क्लीन नहीं होगा उसका, खुद से कर नहीं पाती है इतने अच्छे से। बट कोशिश करती है, ये अच्छी बात है। बट मैं ये फिंगर ब्रश से ना थोड़ा सा घस देती हूँ, उसको दांत तो साफ हो जाता है, नहीं तो फिर कैविटीज़ होने का भी चांसेस होते हैं, छोटे बच्चे हैं तो। और यहाँ पे मैं कुल्ली करवाना सिखा रही हूँ उसे। तो फाइनली मीशू का ब्रश हो गया है और मैं सबसे पहले सुबह ना उसे अंडा देती हूँ, अंडा थोड़ा बहुत वो खा लेती है। तो मैं सॉफ्ट स्क्रैम्बल्ड एग बनाती हूँ, हल्का सा सॉल्ट डाल के मैं इस तरह से ना स्क्रैम्बल करके अंडे को लपेट देती हूँ ताकि थोड़ा जूसी रहे। बहुत ज़्यादा अंडा पका दोगे ना तो बहुत च्यूवी हो जाता है, हार्ड हो जाता है, घुटने में प्रॉब्लम होता है, तो थोड़ा जूसी रहे तो बच्चे खा पाते हैं आराम से। तो इस तरह का अंडा मीशू को पसंद है। बॉयल्ड एग भी कभी कभी देती हूँ, बट आज मैं स्क्रैम्बल्ड एग दे रही हूँ। व्हाट मीशू इज डूइंग? और अब मैं मीशू को अंडा खिला रही हूँ। एक्चुअली खिलाना नहीं पड़ता, उसे हाथ में देना पड़ता है। वो कुछ भी किसी के हाथ से खाती नहीं है, स्पेशली सॉलिड फूड, सिरेलैक वगैरह, फिर भी मैं खिला पाती हूँ। और यह है मीशू का फैशन, दो पैर में दो कलर का सॉक्स, उसे बहुत अच्छा लगता है इस तरह से। तो इस तरह से हाथ में देना होता है, वो अपने हाथ से खाती है। और खाते वक्त थोड़ा बहुत कार्टून्स तो दिखाना पड़ता है, नहीं तो फिर खाना गले से नीचे ही नहीं उतरता है। आजकल के बच्चों का ऐसा हालत है। तो मुझे अंडा खिलाने में कम से कम 20 से 25 मिनट लग जाते हैं मीशू को, और इतना खो जाती है ना कि हाथ उठा उठा के मुझे उसके मुंह तक पहुंचाना पड़ता है। तो एक बच्चे का काम ख़त्म, तो दूसरे बच्चे का काम शुरू। अब अलीना रेडी हो रही है, मैं उसके लिए यहाँ पे टिफ़िन बना रही हूँ। नॉर्मली मैं ये सब प्रिपरेशन रात में करके रखती हूँ, बट कल पता नहीं मुझे क्या हो गया था, तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही थी तो मैं ये सब नहीं कर पाई, चॉपिंग वगैरह। बस पोटैटो मैंने बॉयल कर दिया था, तो मैं उसे ना पोटैटो सैंडविच दूँगी, वेज सैंडविच। बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया ये रेसिपी तो ज़रूर ट्राई करना, पूरा टिफ़िन चट हो जाएगा। तो मैंने तीन मीडियम साइज़ का पोटैटो लिया है, उसमें एक मीडियम साइज़ का अनियन, थोड़ा सा कैरेट और थोड़ा सा कैप्सिकम इस तरह से छोटा छोटा करके चॉप कर लिया है। आलू को हाथ से अच्छे से मसल लेंगे। और मैंने नमक वमक ऐड नहीं किया है, ओनली ऐसे ही बॉईल किया है इसे आलू को। और उसके बाद मैंने कढ़ाई में ऐड किया थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा ग्रीन चिली। थोड़ा सा पका लेंगे इसे, थोड़ा सा ये पक जाएगा तो इसमें ऐड कर देंगे अनियन ऐड करके थोड़ा सा चला लेंगे, हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा अनियन, तो बाकी जो वेजिटेबल्स है वो भी डाल देंगे। और डाल के थोड़ा सा इसे स्टर फ्राई कर लेंगे, बस 2 मिनट, ऐसा ज़्यादा नहीं पकाना हमें। और अगर आपने पहले से ये सारे वेजिटेबल्स रात में चॉप करके रखे हुए हैं, आलू बॉईल करके रखा हुआ है, तो बहुत इजी रेसिपी है, 5 मिनट में बन जाता है। तो मैंने हल्का सा सब्ज़ी को पका के इसमें हल्दी ऐड कर दिया है, और देखिए थोड़ा चला लेंगे हम इसे, और हमारा सब्ज़ी भी थोड़ा पक गया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे मैश किया हुआ पोटैटो, और डाल के इसे अच्छे से हम मिला लेंगे, और साथ साथ ऐड कर देंगे सॉल्ट, अपने टेस्ट के हिसाब से आप ऐड कर दें। और यहाँ पर थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे चाट मसाला, टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो छोटा चम्मच का एक चम्मच मैंने यहाँ पर डाल दिया है चाट मसाला, और इसे डाल के अच्छे से
मिक्स कर लेंगे। मैं कोशिश करती हूँ कि जो लंच बॉक्स है बच्चों का ना, स्कूल का सिंपल हो, आसानी से जल्दी जल्दी बन जाए, और वही सब आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये आसानी से बनने के साथ साथ बहुत टेस्टी बनता है, तो एक बार ट्राई करना तो बनता ही है। तो मैंने मिक्स कर लिया है, थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स ऐड कर दिया है, आपके पास है तो डालें कोरिएंडर लीव्स, नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। और मैंने यहाँ पर ब्राउन ब्रेड में सैंडविच बना रही हूँ, आप अपने पसंद का कोई भी ब्रेड ले सकते हो। तो मैंने कॉर्नर्स जो है ना कट कर दिए हैं, और मैं इसमें ऐड करूँगी, एक साइड में मैं डालूँगी इसमें टमेटो केचप, और दूसरे साइड में ऐड कर रही हूँ मैं गार्लिक सॉस। आप चाहो तो ग्रीन चटनी भी लगा सकते हो, अपने पसंद का कोई भी सॉस आप ऐड कर सकते हो। तो मैंने दोनों साइड इस तरह से लगा लिया है, और अच्छे से आलू को फिल कर देंगे। थोड़ा अच्छे से आलू को फिल करेंगे तो टेस्ट अच्छा आएगा। और पैन में मैं यहाँ पर थोड़ा सा बटर इस तरह से मेल्ट कर रही हूँ, और बटर में इसे ना थोड़ा सेक लेंगे। मैं इसे ग्रिल भी कर सकती थी, बट मैं चाहती हूँ कि हर कोई इसे बनाकर खा पाए जिसके पास ग्रिलर टोस्टर ये सब नहीं है, इसलिए मैं पैन में बता रही हूँ आपको। ऊपर में भी थोड़ा सा हम बटर लगा लेंगे इस तरह से, और इस उल्टा करके भी सेक लेंगे, दूसरे साइड भी अच्छे से हम इसे सेक लेंगे। और बहुत ही अच्छा सा क्रिस्पी सैंडविच हमारा रेडी हो गया है, और बहुत ही खाने में टेस्टी होता है। आप नाश्ते में भी खा सकते हो, बच्चे को टिफिन में भी दे सकते हो। देखिए लग रहा है ना ज़बरदस्त, और बिल्कुल घर में पड़े हुए इन्ग्रीडियंट्स के साथ ना आप ये टिफिन आराम से बना सकते हो। इसे थोड़ा सा हम ठंडा होने देंगे, नहीं तो गरम गरम टिफिन में रखे ना तो ब्रेड सॉगी हो जाएगा और गीला हो जाएगा। तो थोड़ा ठंडा हो गया था, तो अब मैं एलिना का लंच बॉक्स पैक कर रही हूँ, और मैं साथ में थोड़ा सा फ्रूट्स दे रही हूँ। तो फ्रूट्स में आज मैं पाइनएप्पल दे रही हूँ उसे। और इस तरह का फूड जो प्रिक है आप लोग पूछ रहे थे, अमेज़ॉन में आराम से मिल जाएगा, मुझे नाम तो याद नहीं है, बट आप लोग फूड प्रिक बोल के सर्च करोगे ना तो इजली आपको दिख जाएगा वहाँ पर। और मैं साथ में थोड़ा सा सॉस दे रही हूँ अलीना को, उसे थोड़ा अच्छा लगता है एक्स्ट्रा सॉस, तो हल्का सा टोमेटो केचप और हल्का सा गार्लिक सॉस मिक्स करके इस तरह से मैंने दे दिया है। और ये टिफ़िन मैंने पाउंडलैंड से लिया था, आप लोग पूछ रहेंगे इसलिए मैं पहले ही बता दे रही हूँ। तो बहुत अच्छा है, ये डब्बा भी उसके साथ ही आया था। इस तरह से यहाँ पर ना जगह बना हुआ है सॉस रखने के लिए। तो अलीना का लंच बॉक्स जो है वो रेडी हो गया है। अब अलीना स्कूल चली जाएगी, तो उसके बाद आराम आराम से मैं अपना सारा काम करूँगी। एक बार अलीना स्कूल पहुँच जाए ना, फिर टेंशन मेरा ख़त्म हो जाता है। और अभी अलीना अपना सारा काम खुद से कर लेती है, बट एक बाल बनाना ही उसे नहीं हो पाता है, तो बाल मैं बना कर देती हूँ। और देखिए सॉक्स वगैरह उसने पहन लिया है। और यहाँ पर स्कूल में आप कोई भी कलर का सॉक्स पहन के जा सकते हो, मतलब ऐसा कोई ड्रेस कोड बोल कर नहीं है कि ऐसे ही कपड़ा पहन के आपको आना है, जैसे हमारे इंडिया में स्कूल में होता है ना, ऐसा आप कुछ भी पहन के नहीं जा सकते, प्रॉपर यूनिफॉर्म होता है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे बारिश होती है इसलिए अलीना ना बूट्स पहनती है इस तरह का, ताकि पानी अंदर ना जाए, नहीं तो फिर ठंड लग जाएगी। और देखिए हल्की हल्की बारिश यहाँ पे शुरू हो गई है। और कल रात में पता नहीं मुझे क्या हो गया था, तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही थी, तो मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने अलीना के लिए टिफ़िन के लिए आलू बॉईल कर दिया था। बर्तन वगैरह मैं नॉर्मली रात में धोकर सब्ज़ी वगैरह चॉप करके नेक्स्ट डे का सारा प्रिपरेशन करके सोती हूँ, बट मैं कल नहीं कर पाई। तो सुबह कितना हेक्टिक हो जाता है अगर रात में आप ये सब काम ना करो ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम भी चला जाता है और बहुत ज़्यादा आप थक भी जाते हो, क्योंकि ये सब एक्स्ट्रा काम हो जाता है, बच्चों को तैयार करना, स्कूल भेजना, टिफ़िन बनाना, फिर छोटी बच्ची साथ में हो तो और भी मुश्किल है। तो यहाँ पे मैंने बर्तन भी धो लिया है। तो आज से अलीना का स्कूल स्टार्ट हो गया है, और मतलब विंटर वेकेशन ख़त्म हो गया है, स्कूल जा चुकी है वो। और मैं अलीना को बहुत मिस कर रही हूँ आज, क्योंकि जब वो घर पे होती है ना तो ब्लैंकेट्स वगैरह सब फोल्ड कर देती है, बेचारी बहुत हेल्प करती है अलीना, इधर देखिए कुशन्स वगैरह सब उठा के। आज मुझे एहसास हुआ कि छोटे छोटे मतलब काम भी बच्चे कर देना तो कितनी हेल्प हो जाती है। तो मैंने ये सब फोल्ड कर लिया है, और मिशो को खाना खिलाना है। वार्म वाटर कोल्ड वाटर? वार्म वाटर मिशो वांट्स, नॉट कोल्ड वाटर राइट? Cold water. Cold water not good. और मिशु 2 साल की होने जा रही है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ जो भी होममेड फूड मैं घर पे बनाती हूँ वही दूँ, बट बहुत बार ऐसा होता है कि उसे अच्छा नहीं लगता है, वो नहीं खाना चाहती है, तो फिर मुझे एप्टामिल या सेरेलैक ये सब देना पड़ता है। और वो यूज्ड टू भी है ना ये सब खाकर, शायद टेस्ट भी अच्छा लगता होगा तो इसलिए खा लेती है। और देखिए किस तरह से आजकल के बच्चे मोबाइल टैब सब चलाते हैं, वो खुद चूज़ करती है उसे क्या देखना है क्या नहीं देखना है, यूट्यूब पे स्किप भी करना आता है ऐड वगैरह सब। ये देखिए और मिशू को खिलाने में सबसे ज़्यादा मेरा टाइम जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम मेरा चला जाता है, बहुत स्लो स्लो खाती है वो। मतलब खुशनसीब होते हैं वो पेरेंट्स जिसके बच्चे ना आराम से अच्छे से खाना वाना खा लेते हैं, मैं तो परेशान हो जाती हूँ उसको खिलाने में। एक तो डिफरेंट डिफरेंट खाना बना के ट्राई भी करती हूँ, फिर खाती भी नहीं है तो अच्छा नहीं लगता है।
Mishu, which story book you are reading? Dinosaurs. Dinosaurs. Okay. Mama, look. What happened? Mama, sit there. No, I can't sit there. I can't sit there. That's not the place to sit. You should sit on sofa. Not there. That's armrest. Sit here. I sit. You want to fall down? Mishu, you want to fall down? Tell Mama. No, Mishu, mine sofa first. Mama, sofa. तो मिशू को मैंने टॉयज वगैरह देके इंगेज कर दिया है, वो खेल रही है और मैं यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ। सेम जो अलीना को टिफ़िन में सैंडविच दिया था वही नाश्ता हम भी कर लेंगे। और यहाँ पे मैं अवोकाडो का थोड़ा सा जूस बना लूँगी और शेक बना लूँगी, अच्छा लगता है। और इस तरह से स्कूप करने से ना आराम से अवोकाडो निकल जाता है, सबसे ईजी तरीका है अवोकाडो छीलने का। ये इसमें जस्ट मैं ऐड करूँगी दूध, थोड़ा सा ठंडा दूध है, अच्छा लगता है। और दूध ऐड करके इसमें ऐड करेंगे शुगर, आप चाहो तो, मैं ब्राउन शुगर ऐड कर रही हूँ, आप चाहो तो वाइट शुगर भी ऐड कर सकते हो या फिर शुगर स्किप करके हनी भी ऐड कर सकते हो। तो मैं हनी शुगर दोनों मिक्स करके ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं सैंडविच थोड़ा सेक लूँगी और साथ साथ अवोकाडो का जूस भी ब्लेंड हो रहा है। वहाँ पे हस्बैंड आ गया थोड़ा हेल्प करने के लिए, तो यहाँ पे हमारा नाश्ता भी रेडी हो गया है। क्योंकि आज का दिन ना बहुत हेक्टिक हो गया था, क्योंकि बहुत सारे काम जो मैं रात में करके सोती हूँ वो मुझे सुबह करने पड़े, तो थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लग गया। तो यहाँ पे हमारा जूस और सैंडविच रेडी हो गया है, तो बस हम नाश्ता कर लेंगे और उसके बाद फिर मिशू को सुलाना है। मिशू नैप लेती है थोड़ा, तो नाश्ता करने के बाद उसे सुलाना पड़ेगा। फिर मैं यहाँ पे नाश्ता कर रही हूँ और साथ साथ सोच रही हूँ कि मैं क्या बनाऊँगी लंच में। और यहाँ पे मैं सैंडविच ट्राई करवा रही हूँ मिशू को, पहले ही मैंने ट्राई करवाया, उसे अच्छा नहीं लगा था, फिर वो आई तो मुझे लगा थोड़ा देती हूँ, फिर भाग गई। और मैं कुछ क्विक लंच बनाऊँगी। तो मैं फटाफट बनने वाला लंच आज बनाने जा रही हूँ, दाल राइस, सिंपल दाल राइस और स्टर फ्राई वेजिटेबल्स बनाऊँगी, मिक्स वेजिटेबल्स। और मैं दाल राइस ना दोनों साथ में धो के चढ़ा दूँगी, साथ साथ दोनों बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने चावल वॉश कर लिया है, और दाल भी साथ साथ धो दिया है, सीधा कुकर में डाल के इसे बैठा दूँगी। मैंने यहाँ पे पहले चावल बैठा दिया है, चावल में थोड़ा सा नमक ऐड किया है क्योंकि बासमती राइस है, थोड़ा सा नमक ना ऐड करें ना तो टेस्ट नहीं आता है। और यहाँ पे साथ साथ हम दाल बैठा देंगे। तो दाल बहुत सिंपल तरीके से मैं बना रही हूँ, दाल में मैंने पानी ऐड किया, हल्दी, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा नमक, और एक टमाटर डाल देंगे इसमें काट के। तो बस टमाटर डाल के थोड़ा चलाएंगे इसे, और चलाने के बाद ढककर दाल को अच्छे से गला लेंगे, और बाद में हम इसे इसमें तड़का लगाएंगे। तो जब तक हमारा दाल राइस बन रहा है हम यहाँ पे थोड़ा सा वेजिटेबल्स चॉप कर लेंगे। तो मैं स्टर फ्राई भाजी बना रही हूँ, तो मैंने गोभी चॉप कर लिया है, साथ में कैरेट, बीन्स और आलू डाल के स्टर फ्राई सब्जी बना लूँगी। तो बहुत ही सिंपल सी सब्ज़ी है बट टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे हमारा दाल राइस राइस बन गया है, तो राइस को मैं ड्रेन कर लूँगी और दाल भी हो गया, तो दाल के लिए तड़का लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैं घी ऐड कर रही हूँ, घी का 6 कप लगाते हो ना तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है दाल में। थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा ज़ीरा और एक सूखी मिर्च तोड़कर डाल देंगे। चिली पाउडर मैंने बहुत कम यूज़ किया था दाल में, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाए तो मिशू नहीं खा पाएगी, इसलिए थोड़ा तीखा मैं कम रखती हूँ। आप अपने हिसाब से चिलीज़ वगैरह ऐड कर सकते हो। तो बस इसमें 6 कप लगा दिया है मैंने, और इसे ढक देंगे साथ साथ ताकि जो फ्लेवर है ना दाल में अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाए। तो यहाँ हमारा दाल राइस रेडी हो गया है, और भाजी बना लेंगे फटाफट। और ये खाना बनने में ना हार्डली 1/2 आवर लगता है, फटाफट बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया है, और इसमें थोड़ा सा गार्लिक ऐड करेंगे। बहुत सिंपल सब्ज़ी है ये, जस्ट गार्लिक और ग्रीन चिलीज डालेंगे, और फिर सब्ज़ी जो है ना बाकी हम ऐड कर देंगे इसमें। तो देखिए मैंने चिलीज़ ऐड कर दिया है, उसके बाद मैंने यहाँ पे सारी सब्जियों को डाल दिया है इसके अंदर, और इसे थोड़ा हम चला लेंगे, और साथ साथ हम सॉल्ट भी ऐड कर देंगे और फ्लेम हाई रखेंगे, हाई फ्लेम में थोड़ा स्टर फ्राई कर लेंगे 4-5 मिनट उसके बाद। और हल्दी भी ऐड कर दिया है, तो थोड़ा थोड़ा ना सब्ज़ी इस तरह से पकने लगेगा और पैचेज आने लगते हैं, गोल्डन पैचेज, तो थोड़ा कुरकुरा बनता है सब्ज़ी, अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद ढक कर हम इसे 5-7 मिनट्स पका लेंगे सब्ज़ी गलने तक। तो देखिए सब्ज़ी हमारा गल गया है, और यहाँ हमारा प्लेट भी लग गया है, मैंने खाना सर्व कर दिया है, और साथ में थोड़ा सा चिली पिकल है, मिर्ची का अचार अच्छा लगता है मुझे दाल राइस के साथ। तो यहाँ पे खाना मैंने सर्व कर दिया है, और मिशू को पहले ही मैंने खिला दिया है, तो थोड़ा सा खाया उसने दाल राइस, थोड़ा बहुत खा लेती है, पुलाव वगैरह भी मिशू थोड़ा बहुत खा लेती है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा खाती है।
तो बहुत ही सिंपल सा खाना बना है, बट बहुत ही टेस्टी बना था। और कभी कभी अच्छा लगता है इस तरह से खाना खाना। मैं थोड़ा पापड़ मिस कर रही थी, पापड़ होता तो और भी मज़ा आ जाता। और मिशू अपने पापा से बात कर रही है। और लंच करने के बाद मैं सोच रही थी बेडरूम थोड़ा वैक्यूम करूँगी। और अलीना स्कूल से आ गई है, बट मिशू स्टार्ट हो गई वैक्यूम लेकर। और अलीना यहाँ अपने फ्रेंड से बात कर रही है, और इंडियन फ्रेंड है उसकी एक, तो उससे ही वो बात करती है थोड़ा बहुत स्कूल से आने के बाद। और मुझे इशारा कर रही है, जाने बोल रही है। Put them on our right colors, okay? And put one here, this color one here, this color one here. और यहाँ पर अलीना सिखा रही है मिशू को कलर्स। तो ये अलीना ही लेकर आई थी, कहीं गई थी यहाँ पे लोकल स्टोर में, तो उसे दिख गया था, तो उसे ये सब बड़ा याद रहता है अलीना को। तो वो बता रही है कौन कौन सा रिंग्स, कौन कौन सा कलर स्टिक में डालना है, तो वैसे ही मिशू फॉलो कर रही है। और मिशू को थोड़ा बहुत नंबर्स, लेटर्स, हम ये सब भी सिखा रहे हैं। और इस तरह से आप कलर वाला टॉयज वगैरह लाके बच्चों को सिखाते हो ना, तो बच्चे इंगेज भी रहते हैं और वो फन वे में सीखते हैं, उन्हें बोरिंग नहीं लगता है। वही आप बुक्स वगैरह में बैठा कर कलर देख के करके बताओगे तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं आता है उन्हें। तो इस तरह से हम मिशू को थोड़ा बहुत सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। और बच्चे यहाँ खेल रहे थे, तो मैं थोड़ा बहुत खाना खाने के बाद जो बर्तन वर्तन निकला था वो सब क्लीन करके मैंने थोड़ा सिंक वगैरह क्लीन कर लिया है, और ये नल साफ़ कर रही हूँ अभी। तो खैर, घर का काम तो चलता ही रहेगा। तो बस ठीक है, मैं आज का ब्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे सेकेंड चैनल पर भी ज़रूर आना, मैंने लिंक्स डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।